स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे चिप बर्डिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों जो हमारे पास नीचे बिजू पौधा है उस पर हम यहाँ पे चिप लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम कटिंग लाए हुए हैं, ठीक है, ओरिजिनल जो आड़ू है उसका। और उसके बाद हमने इसे यहाँ से इसकी जो आँख है उसे ले ली है। लेने के बाद नीचे जो हमने कट मारा था उस पर इसे लगा दिया है, ठीक है। और इसे बाहर से हमने पन्नी से इस तरीके से बांध दिया ताकि इसमें हवा पानी ना जाए। दोस्तों इसे हम जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ पर बांधते हैं, ठीक है, इस चिप बडिंग का कार्य करते हैं। और दूसरा पौधा भी मैं आप सभी को करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से इसे छिल लिया है, ठीक है, और ऊपर से कट मार लिया। और दूसरा पौधा हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से इसकी आँख निकाल ली, ठीक है। इसमें हड्डी भी आनी चाहिए और इसका मांस भी आना चाहिए, ठीक है, इसकी खाल भी बाहर की आनी चाहिए। और इसे इस तरीके से पकड़ने के बाद टाइट हम इसे बांध देंगे, ठीक है। नीचे जो बीजू पौधा है ऊपर हमारा ओरिजिनल वाला जिसे हम बीज बोलते हैं वो है, ठीक है। इस प्रकार से आप चिप बडिंग का कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हेल्प एंड सहायता के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी सहायता दोस्तों जरूर करेंगे। दोस्तों 101% आपका यहाँ पर इसका रिजल्ट 101% ये लग जाएगा, ठीक है। ये बरसात के महीने में लगता है और इसका जो इसका जो ओरिजिनल वाला पेड़ है जैसे ये बड़ा हो जाता है, जैसे लगने लगता है, जो इसका बीजू पौधा है उसे हम वहाँ से कट कर देते हैं ताकि वो ना बढ़े। दूसरा जो हमारा ओरिजिनल पौधा है वहाँ से उसकी ग्रोथ बनती रहे दोस्तों, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से हम इसे यहाँ पर करते हैं, चिप बडिंग का कार्य करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हमने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, उसमें मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे चिप बडिंग का कार्य कैसे करें, ग्राफ्टिंग का कैसे करें। ग्राफ्टिंग वाली वीडियो भी आप जरूर देख लें। किसान से संबंधित हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं गार्डन के बारे में, उन्हें भी आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।